Hello students, this is Vikanshi Sharma, assistant professor at ABESIT College of Pharmacy. As we were discussing about the physical pharmaceutics, so today our topic is unit 5, that is pH, buffers and isotonic solutions. So in this is the first lecture of unit 5. So first of all, we all should know that what is pH. So क्या होता है pH? आप लोगों ने काफी टाइम से ये टर्म सुना होगा pH, that we are going to calculate the pH of this solution, we are going to calculate the pH of that solution. So what is pH? Here we are going to discuss about that. So the term is pH. Basically अगर कहा जाए तो pH का मतलब होता है hydrogen ion concentration के बारे में बताने वाला एक इंडिकेटर, और एक जो इंडिकेशन दे कि हमारे पास में कितनी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन है, किसी भी कंपाउंड के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट है. तो अगर हम बेसिकली बात करें तो इट रिप्रेजेंट्स द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन. दिस टर्म वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय सोरेनसन. And on the basis of his name, the scale which is used for the calculation of the pH is named after his name, that is Sorensen pH scale. तो अभी हमने ये term सुना Sorensen. Sorensen ने क्या किया था? Sorensen ने सबसे पहली बार हमें एक term दिया था pH. इसके अंदर इन्होंने जो H है, H को तो represent कर दिया कि H मतलब hydrogen. But उन्होंने ये नहीं बताया what is the meaning of P. So few people thinks that P means power of hydrogen. Few assumes that it is the potential of hydrogen ions. Few assumes that it is the negative log of hydrogen ion. So at last we all should know that pH का मतलब है hydrogen ion concentration को बताने वाला एक you can say एक scale है, एक यूनिट है जो कि आपको बताती है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन रहेगा. सेकंड थिंग, अब हमारे पास में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कहाँ से आया? तो होता क्या है बेसिकली, जब भी आप किसी सॉल्यूशन कंपाउंड को, किसी भी कंपाउंड को जब भी आप डिसॉल्व करते हो वाटर के अंदर, तो वाटर आपका डिसोसिएट हो जाता है, दैट इज ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसके अंदर दो तरीके के आयन्स आते हैं, एच प्लस और OH माइनस. कभी कभी इसी H प्लस को, दैट इज जो आपका प्रोटॉन है, दैट इज हाइड्रोजन आयन है, इसी को हाइड्रोनियम आयन्स की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जाता है. तो ये जो आपके हाइड्रोनियम आयन्स या हाइड्रोजन आयन्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द चेंज इन pH. फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग, अब वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कहाँ ये हमारे आयन्स रिलीज होंगे, कहाँ पे हमारा एच आयन रिलीज होगा, कहाँ पे हमारे ओ एच आयन्स रिलीज होंगे, ये डिसाइड करते हैं कि कोई कंपाउंड एसिडिक होगा या बेसिक होगा. अब ये जो टर्म्स आए हैं आपके सामने, एसिडिक या बेसिक, ये क्या है? तो जो आपके एसिडिक और बेसिक, ये दो एक्सट्रीम्स होते हैं किसी भी सोल्यूशन के, कि कोई सोल्यूशन या तो एक्सट्रीम मतलब ज्यादा से ज्यादा उसका पीएच कम होगा तो वो एसिडिक नेचर का होगा, और अगर उसका पीएच ज्यादा है तो वो बेसिक नेचर का होगा. तो ये दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं किसी भी सोल्यूशन के. एक केमिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम डिफाइन करते हैं एज एसिडिटी और बेसिसिटी, ठीक है? तो इसी चीज को डिफाइन करने के लिए कि कोई कितना एसिडिक है बेसिक है, सोरेनसन ने स्केल दिया, जिसे हम कहते हैं सोरेनसन पीएच स्केल. तो जो सोरेनसन ने पीएच स्केल मेंशन किया था, सोरेनसन ने उस पीएच स्केल के अंदर क्या किया, डिफरेंट 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 वैल्यूज प्रोवाइड की, और उन्होंने एक स्केल बनाया जिसके अंदर उन्होंने 0 से लेके 14 तक वैल्यूज मेंशन की. ये 0 टू 14 जो वैल्यूज थी, ये रिप्रेजेंट कर रही थी कि कितनी हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का नेगेटिव लॉग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर रहेगा. तो ये जो 0 टू 14 था, इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड दिस वन इज 14.
तो ये जो 14 वैल्यूज इन्होंने रिप्रेजेंट की थी, ये 14 वैल्यूज आपकी बताती हैं एक्टिविटी को, पावर को, पोटेंशियल को हाइड्रोजन आयन के। तो इसके अंदर जो मिड वैल्यू है दैट इज 7 वैल्यू, क्योंकि इसके बिल्कुल मिड में है, तो ये आपकी वैल्यू होती है न्यूट्रल। दैट मीन्स वो पॉइंट जहाँ पे आपका सोल्यूशन ना तो एसिडिक नेचर का है ना ही बेसिक नेचर का है, वो एकदम न्यूट्रल है, ना उसके अंदर हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन है ना ही उसमें हाइड्रोक्सिल आयन कंसेंट्रेशन है। सेकेंड थिंग, जो आपके न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं उनसे जब आप 7 पीएच के लेफ्ट साइड में मूव करोगे दैट मीन्स टुवर्ड्स 0, तो इसके साथ साथ आपकी क्या बढ़ जाती है सोल्यूशन की एसिडिटी बढ़ती जाती है। सेकेंड थिंग, जब आप मूव करते हैं 7 to 14 की तरफ तो सोल्यूशन की बेसिसिटी इंप्रूव होती है, जितना ज़्यादा आप राइट हैंड साइड पर मूव करेंगे सोल्यूशन उतना ज़्यादा बेसिक होता जाएगा। सेकेंड थिंग, सॉरेंसन ने ये चीज़ डिफाइन की थी कि इन तीनों वैल्यूज़ के अलावा जो एक सिंगल वैल्यू होती है उसके बीच में कितना डिफरेंस आएगा। तो क्योंकि हमारा जो पी एच होता है वो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन, दैट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन। इसके अंदर जो ये आपका लॉगरिथम है ये बताता है कि जैसे ही एक यूनिट का भी डिफरेंस आएगा पीएच के अंदर तो पावर के अंदर 10 गुना डिफरेंस आ जाएगा, 10 टाइम्स द पावर विल इंक्रीज और इम्प्रूव। ठीक है, तो इसके हिसाब से सोरेनसन ने जो ये स्केल बनाया था ये क्या कहता है कि अगर आपके पास में किसी कंपाउंड का पीएच है 6, ठीक है, और ये है आपका ए का पीएच और आपका जो बी कंपाउंड है उसका पीएच है 5, इट रिप्रेजेंट्स दैट कंपाउंड ए और बी में जब हम कंपेयर करने लगेंगे तो ए बी के कंपैरिजन में 10 टाइम्स लेस एसिडिक रहेगा, जिसका पीएच जितना ज्यादा, इसका पीएच 6 है तो 6 का मतलब ये 5 से 10 टाइम्स लेस वीक एसिड रहेगा, तो ये रिप्रेजेंट करता है आपके नेगेटिव लॉग को। तो यही इसके लिए सोरेनसन ने दिया था और यही आपके टॉपिक का, आपके चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक है, दैट इज सोरेनसन पीएच स्केल, जो रिप्रेजेंट करता है 7 से नीचे एसिडिक, 7 के बाद में बेसिक, 7 पे न्यूट्रल, और हर एक सिंगल यूनिट के डिफरेंस से आप बता सकते हो कि हाँ इसकी जो पोटेंशियल है, इसका जो पावर है उसके अंदर 10 टाइम्स डिफरेंस आ रहा है। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द मेथड्स ऑफ द कैलकुलेशन और डिटर्मिनेशन ऑफ पीएच। थैंक यू।